मैं समझता हूँ कि जीवन एक संघर्ष का नाम है। जितना संघर्ष कठिन होगा उतना जो नतीजा वो शानदार होगा। मेरा नाम डॉक्टर हृदय शर्मा है। मन में कोई लालच नहीं है कि आज अगर मैं काम कर रहा हूँ या किसी मरीज को हॉस्पिटल में एडमिट कराने जा रहा हूँ कि कल कोई मुझे वोट देंगे या नहीं देंगे, तो ये कोई मतलब नहीं है। मेरे मन में हमेशा से ये जज्बा रहा है समाज सेवा करने का। मैंने कभी भी चुनौती को चुनौती मानकर नहीं लिया। जब कोई चुनौती मिलती है मैं उसका सामना करने के लिए बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता से मैं उसको स्वीकार करता हूँ और बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी से उस पर आगे बढ़ता रहता हूँ। और चुनौती जितनी बड़ी होगी मैं समझता हूँ कि विजय उतनी शानदार रहेगी। मेरा जन्म हरियाणा के एक गांव तिगांव के अंदर हुआ। मैं एक बहुत ही गरीब किसान परिवार से ताल्लुकात रखता हूँ। जो मेरा बचपन है वो बहुत ही दिलचस्प था। उसका कारण क्या है कि जिस स्कूल के अंदर मैं पढ़ता था मेरे फादर भी वहीं पर टीचर रहे हैं। ये डर लगा रहता था कि कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसके कारण मेरे फादर को अपने स्टाफ से मेरी गलती के कारण शर्मिंदा होना पड़े। तो जो अनुशासन है वो बचपन से ही हमारे अंदर एक तरह से आ गया था। और शरारती तो आप समझते हैं कि हर बच्चा होता है, शरारत हम भी करते थे। ये तो एक बच्चे का जो रूप है शरारत का वो तो रहता ही है उसके अंदर। अब बड़े हो गए हैं तो नेचुरल बात है कि वो शरारतें ख़त्म हो गई हैं। मेरे दादाजी एक किसान थे, उसके बाद मेरे पिताजी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने वहाँ पर खेती बाड़ी का कार्य किया। उसके बाद दिल्ली में वो टीचर बने। मेरे फादर ही मुझे लेकर दिल्ली में आए और मेरी जो शिक्षा दीक्षा है, 12th तक तो शकरपुर में ही जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ से पढ़ाई की। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अरविंदो कॉलेज से मैं फर्स्ट ईयर में जॉइंट सेक्रेटरी बना स्टूडेंट यूनियन में, और DU से ही ग्रेजुएशन किया। उसके बाद हिमाचल की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से MA हिस्ट्री में किया, MA पॉलिटिकल साइंस में किया, और MEd CCS से किया, BEd किया CCS से। उसके बाद में PhD एजुकेशन में वो भी हमने CCS से किया। हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। हम सब यहीं इसी घर में संयुक्त परिवार में रहते रहे हैं। और जो मेरी सबसे बड़ी बहन है वो सत्या भारद्वाज है उनका नाम। उसके बाद में सेकंड नंबर मीना शर्मा, और जो सबसे छोटी हैं उनका नाम अनीता शर्मा। मेरे जो बड़े भाई हैं वो डॉक्टर सतबीर शर्मा हैं। मेरी शादी लक्ष्मी नगर में 87 में मार्च के महीने मेरी शादी हुई। जो मेरी धर्मपत्नी है उनका नाम निर्मल शर्मा है। मेरी वाइफ पहले टीचिंग में थी, उसके बाद में बच्चों की शादियां होनी शुरू हुई, तो पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं, जो दायित्व हैं, उनके रहते चलते उन्होंने अपने परिवार को पहले चुना और व्यवसाय को उन्होंने छोड़ना पड़ा। क्योंकि नेचुरल बात है जब बच्चों की शादियां होनी शुरू हो जाती हैं तो एक परिवार का जो दायित्व है वो बढ़ जाता है। मदर हैं, पोते पोतियां हैं, तो उन सब का ख्याल रखने के लिए घर के अंदर ज़रूरी है कि किसी एक बड़े का साथ में रहना। तो उन्होंने परिवार की सेवा करना इसको सबसे पहले चुना। मेरे जो बड़े बेटे हैं उनका नाम डॉक्टर कपिल शर्मा है, पुत्रवधु दिव्या शर्मा, और एक ग्रैंड डॉटर है उसका नाम भूविका है। जो मेरे छोटे बेटे हैं वो रोहित शर्मा है, उनकी जो धर्मपत्नी है रीतिका शर्मा, और ग्रैंड सन उसका नाम युवान है। मेरी जो बेटी हैं उनका नाम कनिका शर्मा है, और जॉइंट फैमिली है, पूरा परिवार एक साथ में रहता है। मेरे पिताजी का नाम पंडित टेकचंद शर्मा। मेरे पिताजी अध्यापक थे और बहुत ही अनुशासित उनका व्यक्तित्व रहा। जो उन्होंने बचपन के अंदर हमें संस्कार दिए, हम उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे चल के हमने उनके आचरण को अपनी जीवन शैली के अंदर उसी के अनुरूप ढाला। मैं समझता हूँ कि उनके द्वारा जो बचपन में दिए गए संस्कार थे हमने उनसे सीख ली, उन्हीं के संरक्षण में रहकर हमने शिक्षा दीक्षा ली और उन्नति के आयाम को छुआ। माता जी का नाम श्रीमती रेशम देवी।
मेरी माताजी बहुत ही अनुशासित और धर्म को मानने वाली रही हैं हमेशा से। और जब बचपन के अंदर जैसे मंदिर जाना तो हमें साथ में ले जाती थी, साथ में बिठा के खाना खिलाना, अपने सामने बैठकर पढ़ाना, पढ़ने के बाद में जो हमने याद किया हुआ है सबक उसको सुनना। तो मैं समझता हूँ कि माँ एक गुरु की तरह से, क्योंकि जो प्रथम गुरु है वो माँ होती है, उन्होंने पूरी तरह से जो लालन पालन है अपने संरक्षण में अपने आशीर्वाद से उन्होंने दिया और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे फादर रिटायरमेंट के बाद में कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए थे और वो लक्ष्मीनगर में पहले ये मंडावली विधानसभा होता था, उसके ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे। उनके साथ साथ मैं कांग्रेस पार्टी के क्रियाकलापों को बचपन से देखता रहा, उनके साथ जाता था और जाते जाते पार्टी के कार्यों में लग गया। मुझे कांग्रेस पार्टी का ईस्ट दिल्ली का सेवा दल का प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद मैं यहाँ डेलीगेट रहा, पार्टी के अंदर डिस्ट्रिक्ट कृष्णानगर में वाइस प्रेसिडेंट रहा, ब्लॉक में जनरल सेक्रेटरी रहा, तमाम इलेक्शंस में पार्टी के पोलिंग एजेंट और एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने यहाँ काम किया। वर्तमान में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ। 2020 के चुनाव में श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और प्रियंका जी, उन्होंने पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को चुनकर टिकट दिया। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि कांग्रेस पार्टी मुझ जैसे एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता को दिल्ली की विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने का मौका देगी। पार्टी ने मुझे खुद बुलाया और मुझसे बात की कि आपको प्रत्याशी यहाँ लक्ष्मीनगर विधानसभा में बना रहे हैं। मैं यहाँ से प्रत्याशी बना और लगभग 5,000 के लगभग वोट्स मुझे यहाँ पर अर्जित हुए। दिल्ली के कांग्रेस में वोट पाने वालों में टॉप 10 कैंडिडेट्स में मैं यहाँ रहा। इस दौरान जो यहाँ के रहने वाले भाई और बहन हैं उनका मुझे भरपूर सहयोग और बहुत प्यार मिला। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार जी, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और हमारे तमाम कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता लोगों का विश्वास जीतने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए पूरी तरह से रात दिन लगे हुए हैं। हम भी लगे हुए हैं। हार और जीत तो बहुत बाद की बात है, लेकिन जो मन में सेवा करने का कार्य है वो जज्बा हम लोगों में कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। हम हमेशा से चुनाव लड़ने से पहले भी और उसके बाद भी लोगों की सेवाओं में निरंतर हम लोग लगे रहेंगे, ये हमने पढ़ लिया हुआ है। कांग्रेस पार्टी से जो विचारधारा है, मैं गांधी नेहरू की जो विचारधारा थी, जो उनकी परंपराएं थी, जो मान्यताएं थी, मैं उनसे बहुत प्रभावित रहा। कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एक नारा रहा देश के अंदर समाजवाद लाने का। मैं समझता हूँ जब इंदिरा जी का समय था तो उन्होंने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ। देश के अंदर लोगों पे जो न्यूनतम आय है उसके अंदर बढ़ावा हुआ। राजीव गांधी जी देश के अंदर टेक्नोलॉजी लेकर आए और उस टेक्नोलॉजी का जो विस्तार हुआ, आज आप देखें कि घर घर में हर एक व्यक्ति के हाथ में एक एक मोबाइल्स हैं। इसके अलावा गांव देहात के अंदर कंप्यूटर्स हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस ने बहुत काम किया और कांग्रेस की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ में लेकर चलना। हमारी कोशिश रहती है सभी धर्म, सभी जातियाँ, सब में आपस में विश्वास होना चाहिए, सब एक रहें। तो मैं कांग्रेस की जो ये पॉलिसीज हैं उनसे बहुत सहमत रहा। मुझे बहुत अच्छे से याद है, हम छोटे होते थे लेकिन समझ थी। इंदिरा जी के पास पिताजी के साथ जाना होता था। इंदिरा जी राम मनोहर लोहिया जी का बहुत आदर सम्मान करती थी। जयप्रकाश नारायण जी ने क्रांति की, क्रांति होने के बावजूद भी इंदिरा जी उनका सम्मान करती थी। उन्होंने कभी भी विपक्ष को कुचलने का प्रयास नहीं किया। राजीव जी के समय में इतना प्रचंड बहुमत मिला उन्हें, लेकिन उन्होंने कभी भी विपक्ष की आवाज़ को दबाने का कोई कार्य नहीं किया। एक तरह से जो दबाव की राजनीति है कि दूसरे व्यक्ति पर दबाव देना, तो कांग्रेस पार्टी की
ये परंपरा नहीं रही। मैं समझता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक लंबे अरसे तक देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके शासन के अंदर भी दबाव पॉलिटिक्स देखने को नहीं मिली, और आज जो हालात हैं मैं उसमें किसी को दोषी नहीं कहता, लेकिन जो राजनीतिक है उस पर एक दूसरे पर दोषारोपण देना, एक दूसरे की कमी निकालना, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना, तो इस तरीके की राजनीतिक हालात हम देख रहे हैं। हमने इंदिरा जी के ज़माने में, राजीव जी के ज़माने में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ज़माने में ऐसे हालात नहीं देखे। वो मेरे फादर थे, मेरे सहयोगी रहे और मेरे दोस्त रहे, मेरे भगवान रहे, मेरे लिए सब कुछ वही हैं, मेरे गुरु भी, मेरे पिता भी, और एक बहुत ही अनुशासित व्यक्तित्व। मैं उन्हें हमेशा हर पल अपने साथ पाता हूँ और हमेशा याद करता हूँ। मैंने कभी भी चुनौती को चुनौती मान कर नहीं लिया। जब कोई चुनौती मिलती है और मैं उसका सामना करने के लिए उस चुनौती का बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता से मैं उसको स्वीकार करता हूँ और बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी से उस पर आगे बढ़ता रहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि बचपन से मेरा जीवन शैली ऐसी रही, विजन ऐसा रहा, तो मुझे कभी भी कुछ ऐसा लगा नहीं कि मेरे सामने कुछ चुनौती है। और चुनौती जितनी बड़ी होगी मैं समझता हूँ कि विजय उतनी शानदार रहेगी। मेरी सफलता के जो मूल मंत्र हैं वो ये हैं कि जीवन में अनुशासन, संयम और त्याग। जिसके जीवन में ये चीज़ें होंगी तो आपको पल पल सफलता मिलेगी, कभी भी आपको हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आपको जब भी लगे आपका मन परेशान है या आपको लगता है कि चीज़ें आपके अनुकूल नहीं हो रही हैं, तो आप ईश्वर पे छोड़ दो। ईश्वर आपको उसका कहीं ना कहीं सहारा जरूर देगा और आपको खुद लगेगा कि आप सही मार्ग पे जा रहे हैं। जीवन एक ईश्वर की बहुत ही पवित्र और सुंदर रचना है। ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, हमें परोपकार करने के लिए दिया है। हमें अपना तो करना ही करना है, लेकिन लोगों के लिए भी करना है। जो हमारे समाज में ऐसे व्यक्ति हैं, वंचित हैं और अंतिम पंक्ति में रहने वाले व्यक्ति, हमें उन तक पहुंचना है और उनको अपने करीब लाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना है, उनका साथ देना है। 5 बजे उठता हूँ। 5 बजे उठने के बाद में अपने जो नित्य क्रियाकलाप है उनको करने के उपरांत पार्क में जाता हूँ, वहाँ थोड़ा अभ्यास करता हूँ, योगा करता हूँ, पार्क के राउंड लगाता हूँ, मदर डेयरी जाता हूँ, वहाँ से बच्चों के लिए, घर के लिए मिल्क वगैरह लेकर या कोई सब्जी वगैरह है वो लेकर घर में आता हूँ। उसके बाद स्नान ध्यान करता हूँ, पूजा करता हूँ भगवान की, फिर मैं नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने के बाद में लोगों का आना शुरू हो जाता है, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करता हूँ। उसके बाद में 2 बजे तक ये सिलसिला रहता है, या किसी के साथ असेंबली में जाना है, किसी कार्यक्रम में जाना है, बाकी दिनों में कभी पार्टी कार्यालय जाना होता है, कांग्रेस हेडक्वार्टर, तो वहाँ जाता हूँ और हमारे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी उनके साथ बैठकर राजनीतिक चर्चाएं, दिल्ली के और हमारे लीडरांस हैं उनके साथ बैठ के जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हैं उनके साथ बातचीत करना, या हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, बंधु हैं, उनके साथ में, तो ये कार्यक्रम रहता है। और इसके अलावा बाकी दिनों में कोई कार्यक्रम होता है तो उसको अटेंड करने जाता हूँ। 2 बजे आके घर में लंच करता हूँ अपने परिवार के साथ में बैठकर। ये 3 बजे तक ये चलता है, फिर 6 बजे से चाय पीता हूँ। चाय पीने के बाद में जो पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लोग मिलने आते हैं, उनके साथ में चर्चा परिचर्चा होती है। 9 बजे तक ये चलता है। 9 बजे रात का डिनर करने के बाद में 10 बजे विश्राम गृह में होता हूँ। धार्मिक स्थलों पर जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं सबके मैंने दर्शन किए हैं।
पशुपतिनाथ जी के भी दर्शन किए हैं, माँ वैष्णो दरबार गया हूँ तो ज्योतिर्लिंग सभी मैंने पूरे कर लिए हैं। इसके अलावा नेपाल की यात्रा भी की है, अपनी फैमिली के साथ में लंदन की यात्रा की है, मैं, मेरी बेटी कनिका शर्मा, मेरी धर्मपत्नी, हम लोग सब एक साथ वहाँ पर गए और खूब देखा, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। लंदन को समझ कर आया कैसा कंट्री है, कैसा देश है, लोगों का कैसा रहना सहना है। और मेरी कोशिश होती है मैं किसी भी शहर में जाऊं तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में, वहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वहाँ का रहन सहन और वहाँ का खान पान, उससे मैं बहुत प्रभावित होता हूँ और उन चीज़ों को अपने दिल में समावेश करके लाता हूँ। पुराने गाने सुनने का बहुत शौक है। पसंदीदा एक्टर में राज बब्बर जी मुझे बहुत पसंद है। उनकी जो फिल्म थी निकाह, मैंने उसको कई बार देखा, जिसमें सलमा आगा जी का जो उन्होंने समाज के अंदर व्यवस्था है उसको उसके अंदर चित्रण किया, और राज बब्बर जी ने उसके अंदर जो अभिनय किया है वो बहुत ही उत्तम अभिनय मुझे लगा। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। जो राज बब्बर जी ने कॉलेज की विदाई समारोह में गाना गाया है वो शायद कुछ ऐसा है कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, इस तरीके से गाना है, मुझे बहुत पसंद है वो गाना। मैं 100% धार्मिक हूँ और जीवन में चतुर पुरुषार्थ करना, बिना किसी कामना के मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन करना, और मोक्ष इस प्रकार का हो कि मन में किसी प्रकार की लालसा ना हो। मैं भगवान शिव को, भगवान राम को मानता हूँ और हमेशा उनका स्मरण करता हूँ। गुरु गोरखनाथ जी को अपने मन मस्तिष्क में हमेशा अपने साथ पाता हूँ, और अपने जो पितर हैं उनको भी अपने करीब और नज़दीक पाता हूँ। इसके अलावा यदि मैं किसी मस्जिद के सामने से निकल रहा होता हूँ तो मेरे हाथ अल्लाह के लिए हमेशा नमन होते हैं। अगर किसी गिरजाघर के करीब से जा रहा होता हूँ तो मैं उनको हाथ जोड़ के शीश झुका कर नमन करता हूँ, निकलता हूँ। राजनीति के अलावा जो सामाजिक कार्य हैं वो टाइम टू टाइम हम लोग करते रहते हैं, और बहुत सी NGO हैं जिसमें साथी के विश्वास है और RWs हैं हमारी लक्ष्मी नगर असेंबली की, उनके साथ भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। वो लोग भी प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी और उनकी जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स हैं उन लोगों के साथ भी निरंतर संपर्क रहता है। इसके अलावा जो धार्मिक रामलीला कमेटीज़ हैं, गणेश उत्सव कमेटीज़ हैं, उन लोगों के साथ भी सहयोग रहता है। मेरे जो जीवन का सपना आप कह सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये मेरे मन में रहता है। कोई भी व्यक्ति, उसको जीवन में परेशानी नहीं होनी चाहिए, शांति और सद्भाव ये रहना चाहिए, ऐसी मेरी हमेशा लोगों के प्रति आशा रहती है, ऐसा मेरे मन में रुझान रहता है। जब से मेरी शादी हुई है वो पल पल से मेरे साथ साए की तरह थे, हमेशा उन्होंने मुझे सहयोग किया, पूरी मदद दी, और जहाँ भी कभी मुझे कोई परेशानी आई, मेरा जो दुख होता था वो आने नहीं देती थी, उससे पहले वो मुझे इस तरीके से मोल्ड करती थी कि मुझे लगता ही नहीं था कोई भी कठिन कार्य है, वो क्षणों में मेरा दूर हो जाता था। तो मैं समझता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी का मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। मैं देश की युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो भी रास्ता चुनें, सच्चाई का रास्ता चुनें। महात्मा गांधी ने जो लोगों को, देश को, दुनिया को सत्य और अहिंसा का रास्ता बताया, हमें उसी मार्ग पे चलना है। वही रास्ता भगवान बुद्ध ने बताया, वही रास्ता महावीर स्वामी जी ने बताया। हमारी जो परंपराएं रही हैं वो लोगों को साथ में, एक साथ मिलकर चलने की रही हैं, हमें उसी सत्य और अहिंसा के मार्ग को चुनना है। झूठ, छदम और जो ये रास्ते हैं इससे देश का विकास होने वाला नहीं है, सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं। हमें बहुत सोच समझकर
सत्य मार्ग को चुनना है, उसी में हमारी विजय और कामयाबी है। मेरे फादर डॉक्टर हरिधर शर्मा, जो कांग्रेस पार्टी से लक्ष्मीनगर विधानसभा के MLA कैंडिडेट रहे 2020 में, जब से ये कोविड शुरू हुआ है उन्होंने स्टार्टिंग से जितने से ज़्यादा लोगों की उन्होंने, मैं देखता आ रहा हूँ पिछले 4-5 महीने में घर घर जाके उन्होंने राशन बांटा है। किसी को कोई परेशानी होती है, चाहे आर्थिक मदद हो तो आर्थिक मदद से भी उनकी वो करी है उन्होंने, सेवा करी है। तो कोविड के टाइम में उन्होंने काफ़ी लोगों की मैं देखता आ रहा हूँ कि सेवा उन्होंने काफ़ी करी है। बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी गर्व महसूस होता है मुझे। मुझे लगता है कि वो मेरे फादर हैं, तो बिल्कुल गर्व की बात है हमारे लिए। और लोगों की मदद करना उनका मेन सेवा है, तो हमें भी अच्छा लगता है और उनके कदम पे हम भी आगे चलना चाहेंगे। मेरे फादर श्री हरिदास शर्मा जी हैं, जो कि एक राजनीतिज्ञ, एक अध्यापक, एक समाजसेवी हैं, और उनका नेचर बहुत ही सपोर्टिव है। वो हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं, और जहाँ तक परिवार की बात है, उनके पास हमारे लिए समय कम और पब्लिक लाइफ में वो ज़्यादा बिजी रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग आके मुझसे कहते हैं कि आपके फादर की वजह से हमारा ये काम हो गया। बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है और साथ में एक प्रेरणा भी मिलती है, और एक जज्बा भी उठता है मन में कि देखो हमारे फादर इस तरह के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें भी इसके लिए आगे बढ़ाना चाहिए, इस लोगों के लिए काम करना चाहिए। मेरे फादर का नाम डॉक्टर हरिधर शर्मा है, और वो एक सोशल वर्कर हैं, और वो सभी वर्ग की मदद करते हैं, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो ओल्ड पीपल हो, चाहे वो यूथ हो, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। कुछ फादर जो होते हैं पुरानी सोच के होते हैं, वो वुमेन्स को, वो लड़कियों को, लड़कियों से अत्याचार करते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स के होते हैं, लेकिन मेरे फादर बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। मेरे को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, मेरे को प्रमोट करते हैं, मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे को मोटिवेशन देते हैं, मेरे लिए वो एक इंस्पिरेशन है। मेरे फादर इन लॉ का नाम डॉक्टर हरिदत शर्मा है। नेचर वाइज बहुत ही सपोर्टिव एंड केयरिंग है। वो जैसे अपनी डॉटर को रखते हैं, देखते हैं और केयर करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, वैसे ही वो मुझे ही रखते हैं। मुझे कभी ऐसा भेदभाव किसी भी परिवार के सदस्य के प्रति मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। लगता ही नहीं कि मेरी शादी हो गई है और मैं इधर घर में अलग घर में आई हूँ। मेरे फादर इन लॉ का नाम डॉक्टर हरिदत शर्मा है। वो हमारे और हमारी फैमिली के लिए बहुत सपोर्टिव है। वो किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रखते हैं अपनी बेटी में और अपनी बहू में। फादर होने के नाते वो अपने बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। जिस हिसाब से वो सोशल वर्किंग में इतना बिजी रहते हैं, वो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए केयरिंग है एंड सपोर्टिव भी है। हर चीज़ में वो सपोर्ट करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, चाहे वो किसी भी तरीके की आउटिंग हो या कुछ भी हो, वो हर चीज़ में हमको हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं।